जबाजा पंचायत समिति के ग्राम अनाकर में आबादी भूमि से खेतों में जाने का रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत की गई है। खेतों में जाने के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को अनाकर के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को ज्ञापन दिया। एसडीएम सिंह को दिए गए ज्ञापन में यह कहा गया कि ग्राम अनाकर निवासी नारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह, गिरधारी सिंह, निब सिंह, किशन सिंह, मिट्टू सिंह सहित अन्य के खेतों में जाने का रास्ता आबादी भूमि से होकर गुजरता है। उक्त रास्ते को दबंग और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पत्थर की कच्ची दीवार और सूखी लकड़ियां डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर बंद कर दिया गया, जिसके कारण काश्तकारों को अपने खेतों में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि रास्ते को खोलने के लिए अतिक्रमी देवी पत्नी सबाई सिंह को कहा तो वह लड़ाई झगड़ा करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गई। ज्ञापन देने वालों में पूनम सिंह, प्रथम सिंह, किशन सिंह, शंकर सिंह, पप्पू सिंह, पांची देवी, सुरेंद्र सिंह, निर्मल चौहान, नारायण सिंह, रविंद्र बदामी देवी, लक्ष्मी, जमुना देवी, बलवीर सिंह और लक्ष्मी देवी सहित कई अन्य शामिल रहे। एक सरपंच पुत्र है कुलदीप सिंह, उसकी वजह से पूरा रास्ता बंद करा दिया गांव वाले से। हमारी जमीन वैसे ही पड़ी है सर, बोने का टाइम जा रहा है, अभी तक रास्ता निकला 2 महीने से। हमारे को प्रशासन बोल रहा है अभी आज खुला है, कल खुला है, ऐसे करके रोज रोज गोली। राम सिंह का नाम ले रहा है, राम सिंह का नाम ले रहा है कि राम सिंह ने बंद कर, जबकि कुलदीप पुत्र सरपंच ने ही बंद करवाया रास्ता। हमने वीडियो साहब के पास भी गए, कलेक्टर साहब के पास गए कि 2-5 दिन बाद में खुला देंगे, रोज आश्वासन दे रहे हैं कि दो तीन दिन में खोल देंगे। आश्वासन देंगे, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। आज क्या बोला एजेंट साहब ने? आज एजेंट साहब ने बोला कि 2-3 दिन का टाइम दो, हम खुलवाते हैं रास्ता।